ओके तो अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि जो लास्ट थ्री डिजिट्स होते हैं, इफ नंबर ऑब्टेंड बाय लास्ट थ्री डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, ठीक है, अगर लास्ट थ्री डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल है, देन एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय एट, ठीक है। तो ये तो रूल हो गया। तो लास्ट के थ्री डिजिट देखना है, ध्यान रखो फोर में क्या देखते थे, लास्ट के टू डिजिट, इसमें क्या देखेंगे, लास्ट के थ्री डिजिट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला एक क्वेश्चन जो है ये उसका ई पार्ट है आपके क्वेश्चन का, 7878984, ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब इसमें आपको देखना है कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट के थ्री डिजिट्स ले लेते हैं, 984 को डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है। तो 8 बन जा 8, 9 माइनस 8 1, 8 सो वी हैव 8 टू जा 16 एंड 2 18 देन 4 8 थ्री जा 24, ये डिवाइड हो गया। आप इसे क्रॉस चेक कीजिए, 8 थ्री जा 24, 4 2 कैरेट, 8 टू जा 16 एंड 2 18, 8 1 कैरेट। तो हम देखते हैं 8 4 का, 8 थ्री जा 24, 4 2 कैरेट, 8 टू जा 16 एंड 2 18, 8 1 कैरेट, 8 1 जा 8 एंड 1 9, तो 123 आया। और यहां पर ये पूरा पूरा कैंसिल, ये रिमाइंडर हमारा जीरो आया, तो ये पूरा नंबर 984 डिविजिबल है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 984 इज डिविजिबल, ये लास्ट का पोर्शन इरेज कर देते हैं, सिंस 984 इज डिविजिबल बाय एट, देयरफोर 789984 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एट। अब ऐसे आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने ये वाला ले लिया है ना, ये 365,832, इसमें लास्ट के थ्री डिजिट ले लेते हैं 832। 832 को यहाँ डिवाइड करके देखिए, 832 डिवाइडेड बाय 8, सो वी हैव 8 वन जा 8 कैंसिल्ड, वी हैव कॉपीड 3 0, सो वी हैव 2, 8 4 जा 32, तो दिस इज डिविजिबल। सो वी अगेन राइट सिंस 832 इज डिविजिबल बाय 8, देयरफोर 365,832 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा होता, रिमाइंडर बचता, तो हम लिख देते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, क्लियर। तो अगले डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप अगला वीडियो देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।